हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टे ट्यून्ड विद समुद्रिका। सो आज है क्रिसमस ईव और मैंने सोचा कि फटाफट से एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर लेती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा डेकोर नहीं किया है, बट बेटी मेरी 3 ईयर ओल्ड है तो उसको थोड़ा मन था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वो वीडियो शेयर करूँ। क्रिसमस ट्री। सो इससे पहले मैंने कभी अपने घर पे क्रिसमस ट्री नहीं लेके आई हूँ, ना ही कोई डेकोरेशन किया है। हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स ज़रूर हैं जिनके घर पे मैंने सेलिब्रेट किया है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं अपने घर पे क्रिसमस ट्री ला के डेकोरेट कर रही हूँ, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई डॉटर। वो बहुत एक्साइटेड थी एंड शी वॉन्टेड इट। वो चाहती थी कि शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड इन फैक्ट क्रिसमस को लेकर। तो मैंने सोचा कि चलिए एक छोटा सा क्रिसमस ट्री ले आएँ एंड थोड़ा सा शी विल ऑल्सो फील गुड। सो कुछ इस तरीके से हमने अपने घर को डेकोरेट किया है फॉर द क्रिसमस ईव। घर में बच्चे हों तो बिना बलून्स के तो डेकोरेशन हो ही नहीं सकता। सो हैव केप्ट फ्यू बलून्स हियर। कुछ नेचुरल ट्रीज़ भी रखे, प्लांट्स भी रखे हैं, एंड एक ऑब्वियसली आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री मैंने रखा है। एंड थोड़े बहुत हमने मार्केट से ही ले आए थे, वही चीज़ों को ऐड करके मैंने डेकोरेशन किया है। यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है, मेरा स्नैक्स प्लेटर है, उसमें कुछ ग्रीन पत्तियाँ मैंने डाली हैं एंड कुछ कैंडल्स मैंने रख दिए हैं। एंड बस बिकॉज थोड़ा सा कोजी सा मुझे लुक चाहिए था, तो खूब सारे कैंडल्स मैंने यहाँ रख दिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक नॉर्मल हमारा जो ग्लास होता है उसी में ही मैंने कुछ स्नो इफेक्ट देने के लिए थोड़े से नमक ऐड कर दिया है, एंड उसके अंदर मैंने ये थोड़े से कैंडल्स ऐड करे हैं। एंड दिस इज़ द ओवरऑल लुक, कुछ इस तरीके से फ़िलहाल ये लग रहा है। मेरे घर के पास बहुत सारे इस तरीके के ट्रीज़ हैं, पाइन ट्रीज़, तो उन्हीं के कुछ पत्तों को मैंने यहाँ पे ऐड करा है अपने ग्लासेस के अंदर, एंड कुछ अपने प्लेटर पे भी रख दिया है। एंड विथ कैंडल्स एंड दैट कोजी इफेक्ट इज़ कमिंग, एंड बहुत ही क्रिसमसी सा फील, बहुत ही कम बजट में रेडी हो गया है। सो आई एम रियली लाइकिंग इट। एंड ऑब्वियसली मैंने अपने यहाँ पे कुछ क्रिसमस केक के लिए भी कुछ इंतज़ाम किया हुआ था, एंड बस थोड़े से छोटे मोटे निकनाक से ही मैंने इसको डेकोरेट किया है विद सम फेरी लाइट्स, एंड बस दिस इज़ लुकिंग गुड। एंड ऑफकोर्स वी हैव गॉट फ्यू गिफ्ट्स फॉर वानिका ऑल्सो, जो बहुत ही चीज़ें उसे पसंद हैं, छोटी मोटी वो चीज़ें हमने उसके लिए ली हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सेंटा क्लॉज। सो ये हमारे सोसाइटी में कुछ इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया था। सेंटा को बोले मैरी क्रिसमस। Say Merry Christmas. Santa ko bolo. Let's open it. I know everything. Why can't you open it? What is it? Tear it, tear it. ऐसे ऐसे करके tear करो उसको. Yes. नहीं हो रहा. Okay, Mama will help you. एंड जैसा कि आपने देखा, वानिका वो सुपर एक्साइटेड टू सी द सांता क्लॉज। अपने गिफ्ट्स को भी देखकर वो बहुत खुश हुई। And this is how my overall living room is looking like. काफ़ी कोजी सा मैंने इसको फ़िलहाल बनाया हुआ है। खूब सारे थ्रोज़ मैंने ऐड करे हैं। ये जो रेड वाला थ्रो है, दिस इज़ नॉट अ थ्रो बल्कि एक शॉल है जिसे मैंने एज अ थ्रो यूज़ करा है। एंड या दैट्स इट, बस थोड़े से कैंडल्स एंड काफ़ी सारे क्रिसमसी डेकोरेशन के साथ मेरा क्रिसमस इवनिंग वॉज डन। एंड बस अब फैमिली के साथ बैठ के हम चिट चैट कर रहे हैं, एंड आई जस्ट थॉट कि आज ये वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था। सो दिस इज़ अ वेरी मिनिमल एंड छोटा सा डेकोर लुक। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स। एंड बस अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी। होपफुली मैं मे बी टुमारो या उसके डे आफ्टर टुमारो मैं एक और वीडियो मेरे पास रेडी है जो मैं अपलोड करूँगी, दैट विल बी रिलेटेड टू माई किचन। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत जल्दी आपको मिलती हूँ। एंड बस नए साल जल्दी आने वाला है तो उसकी खूब सारी तैयारी कर लीजिए, एंड अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, मैरी क्रिसमस।